आत्मा को जाने आने में देर लगती है क्या? आत्मा को जाने में देर लगती है? देर लगती है नहीं, आने में देर लगेगी। तो एक श्वास और आने में और श्वास के जाने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं है? तो एक ही सेकंड में तुम्हारा आना और जाना दोनों हो जाएगा। शरीर मर नहीं जावेगा, शरीर स्थिरियम रहेगा, परंतु जैसे जैसे आत्म की स्थिति बनती जाएगी वैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी होती जाएगी। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि जब हम औरों में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा। और राधा स्वामी जो संतता वाले हैं, उन्होंने आगे नाम किसका रखा है? राधा का नाम रखा है। तो कोई मम्मा के पुजारी होंगे वो राधे को ही आगे रखेंगे, स्वामी को बाद में। जो ज्यादा महत्व देते हैं, कोई कृष्ण के पुजारी हैं, कोई राधा के पुजारी हैं, कोई राम के पुजारी हैं, कोई जगदम्बा के पुजारी हैं। जो जिसको ज्यादा महत्व देते हैं उसी का नाम लेते हैं। तो ये राधा स्वामी संप्रदाय भी है, सब हम ब्राह्मणों का ही पसारा चलता चला आ रहा है। बाबा, 3 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है, हद में आम लोग मनाते हैं, तो रथ की यात्रा है या किस आधार पर? ये संगम युग में जो बातें होती हैं उन बातों का यादगार भक्ति मार्ग में मनाया जाता है। संगम युग में रथ किस बात की यादगार है? वो कौन सा शरीर है जो सबसे जास्ती यात्रा करता है? बाबा ने तो बताया है, तुम जितना चक्रधारी बनेंगे ईश्वरीय सेवा में उतना बड़े राजा बनेंगे। तो ऐसा कोई रथ है जो दीदी दादी दादाओं से भी दुनिया के चक्कर ज्यादा लगाता है? जगन्नाथ का रथ गाया हुआ है, छोटे मोटे राज्य का रथ नहीं गाया हुआ है। राजा का किसका रथ गाया हुआ है? जगन्नाथ का। श्रीनाथ का रथ नहीं गाया हुआ है, श्री देवताओं को कहा जाता है। देवताएं छोटे एरिया के होंगे या सारे जगत के होंगे? वो तो छोटा एरिया होगा। जगन्नाथ तो सारे जगत में जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म वाले हैं जो भी देश वाले हैं उन सब का नाथ है, सारी दुनिया को पालना देने वाला है। जो उनके अंदर भी कंट्रोल आवेंगे
छत्र छाया में आ जावेंगे, वो अंतिम समय में भी भूख नहीं मरेंगे। छत्तीस प्रकार के भोजन नहीं खावेंगे। जगन्नाथ भंडारे में क्या खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं। तो उनके रथ का ये गायन चला आ रहा है, यादगार चली आ रही है कि उस रथ ने बहुत यात्राएं की हैं। तो भक्त लोग उनके स्थूल रथ की यात्रा निकालते हैं। भक्ति मार्ग में सब स्थूल रूप में चलता है और ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल चलता है। तो अभी प्रैक्टिकल की बात है। यह सिर्फ स्थूल रथ निकालने की बात है, प्रैक्टिकल बात है। और तीनों मूर्तियों में एक साथ प्रवेशता होगी, एक ही सेकंड में प्रवेशता होगी या नंबरवार प्रवेशता होगी? है आज में तीन मूर्तियां तो थी, लेकिन प्रवेशता तीनों में इकट्ठी होती है या नंबरवार होती है? मुरली में क्रम भी बताया हुआ है। क्या क्रम बताया है? चित्र तो दिखाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु समझाने का क्रम इसी प्रकार होना चाहिए जैसे चित्र बनाया है। यह समझानी अलग प्रकार से है। जैसा प्रैक्टिकल चला है, सेवा कार्य ईश्वर का, ऐसे ही समझानी होनी चाहिए। जब तीनों की प्रत्यक्षता हो जाएगी कार्य की, तो त्रिमूर्ति शिव पक्का कहा जाएगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, फिर शंकर द्वारा विनाश आसुरी ब्राह्मणों का, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का। बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही ब्राह्मण हैं, जो मेघनाथ कुंभकर्ण की तरह पाठ बजाए रहे हैं, रावण की तरह पाठ बजाए रहे हैं। कितनी अबलाएं, उनके उल्टा पाठ बजाने के कारण परमात्मा बाप से मिलने से महफूज हो जाती है। उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, बांधेली बन जाती हैं। वो रावण कितना रुलाता है, तो रुलाने वाले को क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। अखबारों में कितनी गर्जना करते हैं, ग्लानी ही ग्लानी। उनका नाम रख दिया है मेघनाथ, नाद माने आवाज, मेघ माने बादल की तरह गड़गड़ाहट करने वाले। बादल की भयंकर गड़गड़ाहट होती है तो बच्चे तो डर ही जाते हैं।
कुंभकर्ण है। ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है लेकिन वो सोए पड़े हैं या जागृत अवस्था में हैं? अभी भी सोए पड़े हैं। देह अहंकार अति है या स्वल्प है? अति का देह अहंकार चढ़ा हुआ है। ये ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा गाई हुई है, शंकर द्वारा है ना, नीची कुरियों के ब्राह्मणों का विनाश होता है। कब से है? 76 से। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है और आत्माओं के बाप, मनुष्य आत्माओं के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है। वो प्रत्यक्षता वर्ष जब प्रैक्टिकल में शुरू होता है तो शिवरात्रि की छुट्टी भी मनाई जाती है भारत में। पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। तो शिव का कार्य किसके द्वारा चलता है? जो बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद क्या समझाना है? शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश होता है? आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है। विनाश हो रहा है कि और ही ज्यादा बढ़ रहे हैं? है? उनका विनाश हो रहा है कि दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा वृद्धि हो रही है, है? वृद्धि तो हो रही है, वो वृद्धि ढकोसला वृद्धि है या पावरफुल आत्माओं की वृद्धि हो रही है? हैं? कच्ची कच्ची कमजोर आत्माएं ज्ञान में आ रही है। आज ज्ञान में चलती हैं, कल टूट जाती हैं। यज्ञ के आदि के निकले हुए ब्राह्मण अब तक भी काम दे रहे हैं। जैसे एडवांस में आदमी निकले थे वो अभी तक भी काम दे रहे हैं। अंत में निकलने वाली आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं निकल रही है। ये बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं या समझदार आत्माएं निकल रही हैं? बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं। बच्चों को प्रदर्शनी चाहिए, मेगा प्रोग्राम चाहिए, बड़े बड़े प्रदर्शन चाहिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चाहिए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। ज्ञान तो गुप्त है, अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। भक्ति में ज्यादा दिखावा होता है या ज्ञान मार्ग में दिखावा होता है? भक्ति में दिखावा होता है। तो वृद्धि बल होती जा रही है। उस वृद्धि में पांडवी आत्माएं छुपी हुई हैं, जो भगवान के बच्चे हैं या कौरव यादव संप्रदाय भरे हुए हैं। तो जो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ब्राह्मण हैं, उनका मनोबल टूट रहा है या बढ़ रहा है? मनोबल टूट रहा है। ठोसा दिखावा कर रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान की सेवा का।
कोई ताकत नहीं रही है। इसलिए शंकर द्वारा विनाश 76 से, किसका विनाश? बाहर की दुनिया का है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, उनका मनोबल लगातार टूट रहा है। और आखिर विष्णु द्वारा पालना, दुनिया के सब प्रकार के बीज विजयमाला में है, चंद्रवंश में है, या रुद्रमाला सूर्यवंश में है, तो विष्णु के रूप में पाठ बजाने वाली बीज रूप आत्मा रुद्रमाला में पहले मौजूद है या विजयमाला में पहले प्रत्यक्ष होगी? पहले रुद्रमाला में प्रत्यक्ष होती है। कौन है? अष्टदेवों में पहला तो है शिव बाबा शंकर द्वारा, शंकर का पाठ विनाशकारी या पालनाकारी? विनाशकारी है, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका। बड़े बड़े धर्म पिताएं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बड़े बड़े राजाएं, स्वर्ग जैसी पालना वो पुरानी दुनिया का विनाश कोई नहीं कर सके, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने धर्मों का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने राज्यों का विनाश कोई नहीं कर सके। वो कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? शंकर द्वारा विनाश का कार्य। ये बहुत कठिन काम है। धर्म पिताएं आकर के अपने धर्म की स्थापना तो सहज कर लेते हैं, लेकिन पुराने पुराने धर्म की धारणाओं का विनाश नहीं करते हैं। पुराने धर्म भी चलते रहते, पुराने राज्य भी चलते रहते, इसलिए नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। कौन दुनिया के बड़े बड़े पोंगा पंडितों से, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से, बड़े बड़े राज्याधीशों से कौन टक्कर लेगा? कोई धर्म पिता ने टक्कर ली? कोई ने टक्कर नहीं ली। अपने धर्म की धारणाएं सुनाकर चले गए। उनके धर्म में राज्य की स्थापना भी 200-400 वर्षों के बाद होती है, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है। या तो शिव बाबा आकर एक ही जन्म में राज्य की भी स्थापना करते हैं, राजधानी की भी स्थापना करते हैं, पुराने राज्यों का विनाश भी कराते हैं, पुराने धर्मों का खलासा भी कराते हैं। तो खलास करने का काम कठिन है या सहज है? कठिन काम है। वो काम कठोर आदमी कर सकेगा या लीनेंसी स्वभाव वाला कर सकेगा? कठोर स्वभाव संस्कार वाला आदमी चाहिए। इसलिए त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को सहज बैठक दिखाई गई है और शंकर को स्ट्रिक्ट बैठे हुए दिखाया गया है। ये अष्टदेवों का पहला मणका है।
जो विनाश का कार्य संपन्न करता है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का, तब तक नए धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती और पालना भी नहीं हो सकती। नए राज्य की स्थापना और पालना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और दूसरा मन का है, हाँ, दूसरा मन का है काशी नगरी, जो कहते हैं शंकर की सबसे प्यारी नगरी है, जो धर्म स्थापन करते हैं, जो राज्य का फाउंडेशन डालते हैं, उसकी पालना की पहले पहले निमित्त बनती है। पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा कि पहले नई दुनिया तैयार हो जाएगी, पहले फाउंडेशन पड़ता है। वो फाउंडेशन का काम अभी गुप्त हो रहा है, अंडरग्राउंड में हो रहा है, यह सबको देखने में आ रहा है, गुप्त कार्य हो रहा है। इसलिए यादगार में आज भी जब नए मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, तो चारों ओर क्या लगाते हैं, पर्दा लगा देते हैं। योग जुगुत जप मंत्र प्रबाहु फले तबे जब करिय दुराहु। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुप्त में संपन्न किए जाते हैं, नहीं तो असुर आकर के क्या करेंगे, विघ्न डाल देते हैं। और वो असुर बाहर की दुनिया में ही नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में ही नहीं बैठे हुए हैं, एडवांस में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। इसलिए फाउंडेशन सदैव गुप्त में अंडरग्राउंड डाला जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, जैसे वो स्थूल मिलिट्री होती है ना, तो कहाँ रहती है, हैं? अंडरग्राउंड रहती है। उनका तो है स्थूल अंडरग्राउंड और हमारा है बेहद का अंडरग्राउंड, बाहर वालों को पता ही नहीं चल सकता। ऐसी वंडरफुल बात है, एक ही ब्राह्मण परिवार के कुछ सदस्य अंडरग्राउंड स्थापना में अंडरग्राउंड मिलिट्री के वॉरियर बन जाते हैं, और उन्हीं के परिवार में दूसरे वॉरियर नहीं बन पाते। अरे वॉरियर्स का अपने परिवार वालों से पत्र व्यवहार आदि का लेन देन होता है कि नहीं, फोनबाजी करते हैं कि नहीं करते हैं, है? करते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल अंडरग्राउंड है, या कोई को पता चल रहा है, हाँ? बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु द्वारा पालना। लेकिन विष्णु तो बाद में प्रत्यक्ष होगा, जब नारायण और नारायणी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए स्वभाव संस्कारों का। अभी नारायण तो शेर जैसा पार्ट बजा रहा है, और नारायणी शेरनी शक्ति कहे
या बकरी के रूप में कोई ने कान पकड़ा हुआ है, कान में उल्टी सीधी बातें फू फू करते रहते हैं, ग्लानी की बातें सुनाते रहते हैं और बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा 2031 तक पृथ्वी पर हवा बोल देंगे एलियस, इंडिया में क्या एलियस क्या है? एलियंस एलियंस दूसरे ग्रह वाले, कोई दूसरे ग्रह पे कोई सृष्टि नहीं है, ये तो भारत में ही सृष्टि, ये तो क्या नाम इस दुनिया में ही सृष्टि है, जीव जंतु हैं, सोचने की बात है। एक पृथ्वी पर ही जीवन है और उसमें भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा जहां मीलों ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो जब पृथ्वी पर ही सूर्य की दूरी जहां ज्यादा हो जाती है, तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वहां जीव जंतु नहीं है, तो और ग्रह उपग्रह तो कितने दूर होंगे सूर्य से और कितने नजदीक होंगे, वहां जीवन कहां से आ गया? ये तो सूर्यवंशियों की बात है। जिनका नाम रख दिया एलियंस, क्या नाम दिया? एलियंस एलियंस एलियंस, ये हैं जिन्होंने ली, क्या ली? अंश की बात ले ली, सार की बात ग्रहण कर ली। मेरा मत ये अरुको, तो सार की बात ग्रहण करने वाले कौन से धर्म के हुए, कौन से कुल के हुए? ये सूर्यवंशी हैं, 4.5 लाख है, अभी भारत में है या दुनिया में फैले हुए हैं? और ये बीज रूप आत्माएं भारत के अंदर है या दुनिया में फैली हुई है? भारत में है। जब ये भगवान का अंश बन जाएंगी, आत्मा सो परमात्मा स्टेज में टिक जाएंगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगी, तो सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी या भारत में ही धरे रहेंगे? है? सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। कौन सा सन बताया? 2031 पृथ्वी पर धावा बोल देंगे, पृथ्वी पर धावा बोल देंगे, वो हैं रुद्रमाला के मण के। रुद्रगणों ने क्या किया? आखिरी विनाश उनके द्वारा होता है। ये रुद्रमा रुद्र ज्ञान महायज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है कि भारत ही स्वाहा होगा? सारी दुनिया स्वाहा होगी तो सारी दुनिया में फैल जावेंगे, तब स्वाहा होगी, या भारत में ही बैठे रहेंगे तब स्वाहा होगी? ऐसे जो एलियंस होंगे
उनको मरने का डर होगा कि बाहर जावेंगे तो पता नहीं वापस लौट पाए या न लौट पाए। बाबा ने तो बोला हुआ है कि 60-70 लाख भी देंगे तो भी वापस नहीं आ सकेंगे। विदेशों में आने जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो लोगों को बाहर जाने में डर लगेगा या निडर हो जाएंगे? है? डर लगेगा। ये तो एलियंस की बात है, ये बेहद के एलियंस है या जो वो समझे बैठे हैं कि बाहर के ग्रहों उपग्रहों से आवेंगे, उनकी बात है, बेहद के एलियंस की बात है। डंडी आधार है या पत्ते आधार है? डंडी आधार है, लेकिन जब कलम लगाई जाती है तो पत्ते बने रहते हैं या खत्म हो जाते हैं? तो ऐसे ही बेसिक में चलने वाले दादा लेखराज, ओम राधे मम्मा, ये सृष्टि के पत्ते हैं या टहनी है? ये खलास हो गए या रह गए? ये खलास हो जाने वाले हैं। और भी ढेर के ढेर पत्ते हैं, कलम लग रही है, ये सब खलास हो जाएंगे। ये पत्ते स्थूल शरीर त्याग रहे हैं या बना रहेगा अंत तक? स्थूल शरीर इनका खलास हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर रह जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर भी पूरा ज्ञान का परिचय धारण करने पर खलास हो जाएगा या बना रहेगा? वो भी खलास हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर भी उनका नहीं रहेगा, स्वभाव संस्कार मन बुद्धि रूपी आत्मा के बीज रूप आत्माओं से मिलकर एक हो जाएंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, आदि से अंत तक प्रवृत्ति मार्ग वाले ही चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद भी प्रवृत्ति वाले रहेंगे या निवृत्ति मार्ग वाले रहेंगे? प्रवृत्ति। परम धाम जाएंगे तो भी वरवधु इकट्ठे जावेंगे या बारात में अलग अलग हो जावेंगे? इकट्ठे जावेंगे और इकट्ठे षष्ठी रूपी रंगमंच पर आवेंगे। तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारों का क्या हो रहा है? कौन है कुमार? ये कह रहे हम कुमार नहीं रहे, हमने तो शादी कर ली, गुप्त शादी हमारी हो चुकी है, ये अपने को कुमार नहीं मान रहे। आपने झूठ बोला। नहीं बोला, मैं नहीं बोला। नहीं, ये कह रहे हम कुमार नहीं है, ये है वो धर्मेंद्र भाई को कुमार बता रहा, अपने को नहीं बता रहा कुमार। आपने झूठ क्यों बोला? पूछ तो लेते कुमार हो कि अदर कुमार हो? अदर कुमार है वो तो। और बाबा ये लाला रामस्वरूप का कैलेंडर चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, वहाँ में एक तरफ लगा ईस्वी सन, दूसरी तरफ ईस्वी सन,
एक तरफ लिखा बंगला सन, एक तरफ लिखा संबत, उसी के बगल में लिखा वीर निर्माण संबत, वो सबसे 2500 वर्ष पुराना है। तो वो वीर निर्माण संबत हमें नहीं आया साहब, समझ में क्या है? दुनिया में कौन है जो एक ही है सबसे जास्ती वीरता का काम करने वाला? जैसे दादा लेखराज हैं, तो उनके लिए बोला गया भाग्य का लेख लिखने वालों का क्या राजा है। ऐसे ही माउंट आबू में एक आत्मा है जो बहुत मान्यता प्राप्त है, बड़े से बड़ा मेला उसी का लगता है, उसका नाम है वीर बाबा। क्या जरूर वीरता का काम किया है? तो सबसे पुराना होगा या नया होगा? सबसे पुराना है। इस पुरानी दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है जिसका संबत चलता है, भले दुनिया उस संबत को नहीं जानती है। इसलिए भक्ति मार्ग के कोई लाला राम है, है? क्या राम है? हाँ, लाला राम जो तेरे पास है सो ला, जो तेरे पास तन है धन है मन है संपर्क और संबंधी है सबकी ताकत मेरे पास ला। ओसामा बिन लादेन है क्या? तो वो लादेन नाम बाला करेगा या नहीं करेगा? असली वीर बाबा का फॉलोअर है या खुद ही वीर बाबा है? फॉलोअर है, भगत है, तो वो तो नाम बाला करेगा। मैंने दूसरा अर्थ लगा दूंगा। दूसरा अर्थ लगाओ, वीरों का निर्माण करने, वीर निर्माण। वो लाला राम थोड़े ही है। और डिविजन से हम प्योर रहते हैं, डिविजन से हम प्योर रहते हैं, और जात को जानने से हम डिविजन जानते हैं। हाँ, सबसे बड़ा धर्म रूपी धारणा का काम क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्मे निगधनम से परधर्मो भयावह। बड़े से बड़ा धर्म क्या है? स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या है? आत्मा। और आत्माओं में वो आत्मा कौन है जो सदैव स्वधर्म में टिकी रहती है? है? तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला नहीं मिला? है? क्या जवाब मिला? है? ऐसे ही बोल दिया? है? रिलीजन से हम प्योर हैं। हाँ, धर्म से ही हम पवित्र रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म में टिकना, और सदैव स्वधर्म में टिकने वाला परमपिता परमात्मा ही है। वो परमपिता परमात्मा ही हमको पवित्र बनाता है। गॉड को जानने से हम रिलीजियस। गॉड माने जो परम पवित्र है, एवर प्योर है, उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे, नहीं तो जितना याद करेंगे उतने पवित्र बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे, ज्यादा याद करेंगे तो जास्ती पवित्र बनेंगे। बाबा संस्कार भी बदलेंगे, माया से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, हैं? क्यों रावण के संस्कार नहीं भर रहे हैं, शूटिंग नहीं कर रहे हैं? अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? अरे अभी रिहर्सल हो रही है कि नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा की?
तो 5-4 वर्ष के ड्रामा में चढ़ती कला की ही शूटिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, या उतरती कला की भी शूटिंग रिहर्सल होती है? है? तो माया उतरती कला में ले जाती है या चढ़ती कला में ले जाती है? उतरती कला में ले जाती है। तो जरूरी नहीं है, है? वो भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा उतरती कला में जाना अच्छा है, उतरती कला के ज्यादा संस्कार भरना अच्छा है, या थोड़े से थोड़े संस्कार भरना अच्छा है? कम से कम उतरती कला के संस्कार भरे, माया के संस्कार भरे, और ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय संस्कार भरे। नाम ही है ईश्वर, ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, जो दुनिया का बड़े से बड़ा शासन करता है। कैसा शासन करता है? मारपीट करता है, जोर जबरदस्ती करता है, दंड विधान करता है? कुछ नहीं ऐसा कर